नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। ग्राम पंचायत मचगर जिला फरीदाबाद स्थित नवयुग पब्लिक स्कूल का 25वां स्थापना दिवस बड़े खुशी के साथ मनाया गया। इस मौके पर जो स्कूल के संचालक हैं वेदपाल धनखड़ एवं अन्य स्कूल स्टाफ, स्कूल की सबसे पहली छात्रा एवं वर्तमान में छात्राओं ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह स्कूल समय समय पर समाज का निर्माण करता है। नवयुग का मतलब है नए युग का निर्माण करना, इसलिए नवयुग स्कूल सरकार के साथ साथ मिलकर के, समाज के साथ मिलकर के एक नए राष्ट्र का निर्माण करने का कार्य भी करता है। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्ते, मैं डिंपल नवयुग स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्र हूँ। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा नवयुग स्कूल आज अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। नवयुग स्कूल 1997 में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए नवयुग की नींव रखी गई। नवयुग का उद्देश्य लड़कियों को बेहतर शिक्षा देना और समाज को संस्कारित युवा प्रदान करना है। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले वर्ष में नवयुग स्कूल और ऊंचाइयों को छूता रहे। मुझे गर्व है कि मैं नवयुग स्कूल की छात्र हूँ। अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आन है नवयुग, शान है नवयुग, हम सब की पहचान है नवयुग। आन है नवयुग, शान है नवयुग, हम सब की पहचान है नवयुग। चमकते हैं जिस तरह हुनर के सितारे, ऐसा आसमान है नवयुग, ऐसा आसमान है नवयुग। धन्यवाद। मैं वेदपाल धनखड़, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 68, IMT, मचगर, फरीदाबाद। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं नवयुग स्कूल के 25वें स्थापना दिवस के बारे में। नवयुग स्कूल की स्थापना 1 जनवरी 1997 को हुई थी, तभी से 25 सालों का एक निष्कलंक लगातार स्कूल का सफ़र चल रहा है। अब तक यहाँ पर स्कूल ने बहुत से बच्चों को बहुत ऊंचे सफलता के मुकाम पर पहुँचाया है। यहाँ पर कितने ही बच्चों ने CA एजुकेशन प्राप्त की है और सिविल सर्विसेज में भी गए हैं। बहुत से इस स्कूल ने बहुत से डॉक्टर भी यहाँ से समाज को दिए हैं और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, परंपरा रहेगी कि स्कूल अपना बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे जैसे 25 सालों में किया है। यहाँ पर बहुत से गरीब बच्चों को सरकार के द्वारा नहीं, अपने आप भी बहुत से गरीब बच्चों को यहाँ पर शिक्षा मुफ्त दी जाती है। स्कूल का अब तक विधवा के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने स्कूल के दौरान, पढ़ाई के दौरान माँ बाप को खोया है, उनके बच्चों को स्कूल में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी, कोरोना की इस विकट परिस्थिति में भी हमने किसी भी बच्चे की पढ़ाई को छोड़ा नहीं है। समाज के हर तबके को अपने साथ जोड़े रखा है कि पैसे के अभाव में पढ़ाई ना किसी की छूटे। और आगे भी जिस तरह से समाज का, अभिभावकों का बेशुमार प्यार हमें पिछले 25 सालों में मिला है, इस वर्ष से हमारी प्रार्थना है कि ये बच्चों का प्यार, अभिभावकों का आशीर्वाद और विश्वास हम पर हमेशा बना रहे और इसी तरह से हम राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा के द्वारा अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, नए वर्ष की पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी नव वर्ष के पहले दिन ही नवयुग स्कूल के स्थापना दिवस के रूप में हम मनाते हैं और आज इसे पूरे 25 साल होने जा रहे हैं। ये निर्बाध रूप से ज्ञान का दिया जलता जा रहा है और ईश्वर की प्रार्थना है ईश्वर से कि ये आगे भी जलता रहे। और इस स्कूल की शुरुआत जो है वो खासकर विशेषकर लड़कियों को शिक्षित करने के लिए की गई थी ग्रामीण अंचल में, और जो कि ये सपना बहुत अच्छे से हमारा पूरा हो रहा है। और सारी लड़कियां जितनी भी हमारे गांव की और आसपास की लड़कियां होती हैं सब शिक्षित होती हैं, सब पढ़ लिखती हैं और अपनी पढ़ाई में ऊँचे ऊँचे मुकामों को हासिल करती हैं। जैसा कि नाम ही नवयुग है तो नवयुग के लिए तैयार करने के लिए आने वाली पीढ़ियों को हम यहाँ पर अपनी परंपराओं से जोड़कर और आधुनिक शिक्षा से जोड़कर उनको एक बेहतरीन मनुष्य बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं 25 साल से। और आगे भी दोबारा इस पारी में मैं दोबारा इस पारी को खेलना चाहूँगी पूरी 25 साल तक इसी तरह से, और अधिक शिक्षित जो नागरिक हैं वो समाज को, देश को मैं दे सकूँ और देश की उन्नति में सहयोगी बन सकूँ, यही मेरी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद।
हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्मी, पीजीटी बायोलॉजी टीचर इन नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल. टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट माय स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स 25th एनिवर्सरी. वेल, आई सेड माय बिकॉज आई एम एन एक्स स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल एंड आई कैन प्राउडली से दैट आई हैव कम्प्लीटेड माई एजुकेशन एंड आई एम सर्विंग फॉर माई स्कूल वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी. Being an ex-student, I have seen all the phases of this school, the struggling period as well as the booming period. But I can say that when you are on right path, nobody can stop you from achieving your goal. Sadiyon se raha hai dushman daure jaan hamara. Well, today here we are celebrating our 25th anniversary and I hope that it flourish many folds in upcoming decades. Thank you. Myself, Mrs. Varsha. Okay. Good morning, all. Myself, Mrs. Varsha Bharadwaj, and I am working here as PGT Economics. Our Navyug, today we are celebrating 25th anniversary of our Navyug Senior Secondary School, or its 25 glorious years. Our school was founded in 1997, and its journey of these 25 years cannot be summarized in just few lines. In these 25 years, our school has faced many ups and downs, but till now, its position as a pillar for our society, for our education system, and for our country is strengthening day by day. And today, when we are here to celebrate its 25 years, then we only wish for more successful years ahead. Thank you. Namaste. सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. स्कूल के सर, मैनेजर मैम और नवी परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं हिंदी टीजीटी प्रीति कौशिक, हिंदी टीजीटी टीचर और यहाँ कई सालों से कार्यरत हूँ. यहाँ पे मैंने शिक्षा के क्षेत्र में यह देखा है कि सबसे पहले बच्चों को सिर्फ केवल शिक्षा पे जोर नहीं दिया जाता, यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास पे जोर दिया जाता है. और मेरा एक नया अनुभव यह रहा है इस स्कूल में कि जब से मैं आई हूँ, मैंने देखा है कि नववर्ष मेरा जब बचपन का दिन था, उस टाइम में जब मैंने देखा है कि स्कूल और कार्यालय आज के दिन बंद हो के, और क्या होता है कि जश्न मनाया जाता है और नववर्ष को मनाया जाता है जश्न के रूप में, लेकिन जब से मैं इस स्कूल में आई हूँ, मैंने देखा है इस स्कूल को, यहाँ बच्चे आते हैं, प्रॉपर क्लासेस भी लगती हैं, और सबसे जो दिन का शुरुआत होता है वो हवन के द्वारा होता है. और इन सब का जो श्रेय है वो हमारी स्कूल की मैनेजर मैम हैं डॉक्टर रचना धनकर, और डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर वेदपाल धनकर जी, उनको इनका श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने हवन के द्वारा इस दिन का शुरुआत करते हैं और बच्चों को नैतिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा सबके विकास में हमेशा से कार्यरत रहते हैं. तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ. धन्यवाद.